हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। अभी ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि एक अकाउंट की लिस्ट होती है। ट्रायल बैलेंस को हम लोग जैसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अभी हम लोग ने लेजर जब किया तो उसमें हम लोग ने देखा था ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। ट्रायल बैलेंस जो है ये लास्ट स्टेज है अपने बुक कीपिंग का। सबसे पहला क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांजैक्शन होने के बाद उसकी एंट्री जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में होती है। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स ये जो है ये प्राइमरी बुक्स है, और उधर से जो एंट्री है वो सेकेंडरी बुक्स जिसको लेजर बोलते हैं। जर्नल से एंट्री जाती है लेजर में, और लेजर का फिर हम लोग बैलेंस करते हैं। जब मंथ एंड या ईयर एंड हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, लेजर को क्लोज करते हैं। अभी लेजर का बैलेंस निकलता है और वो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। तो अगर वो सीक्वेंस लिखेंगे तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के बाद प्राइमरी बुक जिसमें जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक्स इंक्लूड है, प्राइमरी एंट्री होती है जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में प्राइमरी एंट्री होती है। फिर इधर एंट्री होने के बाद सेकेंडरी एंट्री होती है लेजर में, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर। लेजर को बैलेंस करते हैं, लेजर बैलेंस होने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने लेजर टॉपिक में पढ़ा था। अभी ये जो टॉपिक आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस, उसमें आपको एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डेबिट बैलेंस है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करके आपको जर्नल जैसा एक टेबल बनाने का है स्टेटमेंट, तो उसमें वो वैल्यूज़ डालने का है। डेबिट रहेगी तो डेबिट में डालना है, क्रेडिट रहेगी तो क्रेडिट में डालना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइटम्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या क्लासिफाई कैसे करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। ओके, तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, अभी हम लोग ने तीन टाइप के अकाउंट्स देखे। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, अभी पर्सनल अकाउंट्स में हम लोग ने देखे दो टाइप, एक रिसीवर और एक गिवर। तो इधर क्या होता है, रिसीवर और गिवर ये अपने जो क्लासिफाई करते हैं, ये एक तो होता है अपना सप्लायर और दूसरा होता है कस्टमर, सप्लायर एंड कस्टमर। तो सप्लायर है, इनको अपने को पैसा पे करना है, सप्लायर को पैसा पे करना है और कस्टमर से पैसा लेना है। सप्लायर को पैसा पे करना है तो ये क्रेडिट है, और कस्टमर से पैसा लेना है तो ये डेबिट है। तो सप्लायर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। सप्लायर को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, और कस्टमर को हम लोग बोलते हैं डेटर। सप्लायर को बोलते हैं क्रेडिटर और कस्टमर को बोलते हैं डेटर। तो आप मुझे बताओ
कौन सा डेबिट में है, कौन सा क्रेडिट में है। बट नेचुरल सामने लिखा ही है, सप्लायर है, क्रेडिटर, तो ये क्रेडिट में आएगा, वेरी गुड। और दूसरा डेटर, डेटर डीआर है, डेटर, तो बट नेचुरल ये डेबिट में आएगा। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट्स में ये दो चीज़ें आती है, क्रेडिटर या सप्लायर। मतलब इन शॉर्ट अगर कौन सी लायबिलिटी होगी, कौन सी लायबिलिटी होगी तो ये क्रेडिट में आती है, और अगर कौन से एसेट्स रहेंगे तो ये डेबिट में आते हैं। और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल है, इधर बिल्स पेएबल है, क्रेडिट में आएगा। एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल है, एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पे करने के बाकी है, और इधर आउटस्टैंडिंग इनकम आएगा। और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, इधर बैंक बैलेंस, ले सकते हैं कैपिटल, कैपिटल ओनर को ड्यू रहता है, और वो जो पैसा निकल रहा है ड्राइंग्स, ये इधर आएगा। तो इतने एग्जांपल्स काफ़ी है, और ये भी लिखते हैं क्रेडिटर और डेटर, तो इतने भी आप फिलहाल ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा। बेसिकली कम ध्यान में रखने का रहता है, क्योंकि क्या रहता है उससे बाकी का नॉलेज बढ़ जाता है। तो फिलहाल आप लोग इतना ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ ये पांच चीज़ें ध्यान में रखो, लायबिलिटी में बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल क्रेडिटर्स, एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम, बैंक बैलेंस, ड्राइंग्स, डेटर्स। फिलहाल पर्सनल अकाउंट्स में आप लोग इतना ही ध्यान में रखो। फिर दूसरा टाइप है रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स कौन से रहते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज और एसेट्स रहते हैं। रियल अकाउंट में प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं, और रिसीवेबल्स। प्रॉपर्टी में मोस्ट प्रोबेबली एसेट्स ही रहते हैं, और एसेट्स का सबका डेबिट बैलेंस ही रहता है, डेबिट बैलेंस। फॉर एग्जांपल अपना लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपके डेबिट बैलेंस है। जो भी एसेट्स है वो आपके डेबिट में रहते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश। मशीनरी, कैश, ये सब सारे आपके एसेट्स है। तो ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में सारे डेबिट बैलेंस होते हैं, जिसमें एसेट्स होते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तीसरा टाइप नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, सबसे पहला नंबर वन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर क्या आता है, इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स, ओके। तो आप मुझे बताओ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट रहेगा क्या क्रेडिट रहेगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा, क्योंकि रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इनकम क्रेडिट है, तो इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, ओके। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो उनको डेबिट देना है, इनकम एंड गेन्स है उसको क्रेडिट देना है। एग्जांपल देखते हैं, परचेसेस, बाद में वेजेस, परचेसेस, वेजेस, कैरेज, ये सब अपने खर्चे हैं, तो ये डेबिट में आएंगे। और उसमें लॉसेस भी आते हैं, सैलरी, बाद में रेंट, ये सब अपने खर्चे हैं, इंटरेस्ट, ये खर्चे आते हैं। उसके बाद इधर इनकम आएगा, सेल्स आएंगे,
बाद में रिसीव्ड करके अगर वर्ड रहेगा, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड ये वर्ड अगर डाला तो वो इनकम है। बेसिकली दोनों के हेडिंग सेम ही रहते हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अगर ये रिसीव्ड करके वर्ड आ गया तो ये अपना इनकम है, रिसीव्ड। ओके, तो ये हो गया नॉमिनल। आपको सिर्फ इनिशियल स्टेज में आप इतना ही ध्यान में रखो, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट में लायबिलिटी होती है, डेबिट में एसेट्स होते हैं। रियल अकाउंट जो होते हैं सारे के सारे प्रॉपर्टी या एसेट्स होते हैं, सारे के सारे डेबिट में जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में खर्चे जो रहेंगे वो डेबिट में जाएंगे, जैसे परचेस है, वेजेस, कैरेज, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब खर्चे हैं ये डेबिट में जाएंगे। क्रेडिट में इनकम एंड गेंस है, जैसे सेल्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे इनकम है ये क्रेडिट में जाएंगे। और आपको एक बेसिक रूल ध्यान में रखने का है, मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स आपके डेबिट रहते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फॉर्मेट भी देखते हैं। फॉर्मेट एकदम ईजी है, आपके जर्नल के जैसा है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला हम लोग जैसे हमेशा लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, वैसे सबसे पहला लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, और इधर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो सबसे पहला स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, इन द बुक्स ऑफ डैश, स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट, तीन कॉलम से पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ, एक मिनट क्या बना रहे हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क और ट्रायल बैलेंस एज ऑन। ट्रायल बैलेंस एज ऑन क्वेश्चन मार्क, फॉर्मेट बनाते हैं। तो इधर सिर्फ तीन कॉलम लगते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल, कैपिटल अपना लाइबिलिटीज है, पार्टनर्स को पैसा पे करने का है, तो ये आपका क्रेडिट में आएगा कैपिटल। क्रेडिट में लिखेंगे 2 लाख। उसके बाद अगला है कैश, कैश आपका रियल अकाउंट है, एसेट है, एसेट डेबिट में जाएगा, कैश आएगा आपका 1,80,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स क्रेडिट में जाती है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज 1,00,000। फिर सेल्स, सेल्स आपका इनकम है, इनकम क्रेडिट में जाता है 3,00,000। फिर अगला है स्टॉक, स्टॉक आपका रियल अकाउंट या एसेट है, स्टॉक और स्टॉक एसेट रियल अकाउंट है, 70,000 जाएगा डेबिट में। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स भी आपका एसेट है, पर्सनल अकाउंट, तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट है डेबिट में जाएगा, डेटर्स की अमाउंट 3,00,000। फिर बैंक लोन, बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगी। बैंक लोन 1,50,000। उसके बाद परचेसेस, परचेसेस आपका खर्चा है,
डेबिट में जाएगा, परचेसेस 2 लाख, ठीक है। तो ये अपना पोस्टिंग करके हो गया। अभी टोटल देखते हैं, टोटल सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम आया तो अपना प्रॉब्लम बराबर है। तो टोटल है इसका 7.5 लाख, इसका भी टोटल लेते हैं 7.5 लाख, तो ये टैली हो गया। तो ये अपना प्रॉब्लम बराबर है। अब इसको क्लोज करते हैं। इसको क्लोज किया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अभी सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2018, ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट वो भूल गया है ओपन करने को। तो ये कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर होगा। सबसे पहला अपने को डेबिट का टोटल लेने का है। डेबिट के टोटल से क्रेडिट का टोटल आपको माइनस करना है। तो हम लोग बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ अंकित। इन द बुक्स ऑफ अंकित ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। फॉर्मेट बनाते हैं, 3 कॉलम पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, फिर कॉलम के नाम डालेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट आए। हेडिंग्स को क्लोज करते हैं। तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट में आती है। तो हेडिंग डालेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट में 85,000। उसके बाद सेल्स अपना इनकम है 8,10,000। फिर परचेसेस खर्चा है, डेबिट में आएगा 22,500। उसके बाद डेटर्स, ये पर्सनल अकाउंट है 4,500। उसके बाद वेजेस खर्चा है, डेबिट में आएगा 96,000। वेजेस के बाद
परचेसेस खर्चा है डेबिट में आएगा 4,45,000। ये परचेस रिटर्न है, परचेसेस रिटर्न आपका क्रेडिट में आएगा। अभी देखो परचेस आपका डेबिट में रहता है तो रिटर्न रहेगा तो उसका उल्टा क्रेडिट में आएगा, अगर सेल्स रिटर्न रहेगा तो डेबिट में आएगा, सेल्स आपका क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। परचेसेस आपका डेबिट में आएगा 4,45,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड 8,500। कैश इन हैंड आपका एसेट से एसेट डेबिट में आएगा। कैश इन हैंड 8,500। कैश इन हैंड के बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड 2,15,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आएंगे। सेल्स रिटर्न आपका डेबिट में आएगा 15,750। सेल्स क्रेडिट में है, सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। नेक्स्ट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपका एसेट्स है, एसेट्स डेबिट में आएगा 25,000। इक्विपमेंट के बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी आपका एसेट है, डेबिट में आएगा 3,500। फिर टैली करते हैं, टैली नहीं हो रहा है, देखते हैं। ओके, ये टैली नहीं होगा क्योंकि इसका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आएगा तो लास्ट में लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में आपको ये जो डेबिट का टोटल है, डेबिट के टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस करना है तो ये क्रेडिट का टोटल लेवन लाख 32,500 है तो ये माइनस करके कैपिटल आएगा,
इक्वल टू 1291,250 - 1132,500 और ये कैपिटल का आएगा 158,750। तो कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर है 158,750, इधर ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये टोटल मैच किया, जैसे लेजर में करते हैं वैसे डेबिट का टोटल ही क्रेडिट में आएगा और ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ओके, अभी ये टोटल को क्लोज करते हैं। क्लोज किया, प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ डैश क्वेश्चन मार्क, बिजनेसमैन का नाम दिया नहीं है। इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डैश। कॉलम्स बनाएंगे पर्टिकुलर सर, तो अमाउंट के कॉलम डेबिट क्रेडिट। बॉर्डर्स बनाते हैं, अभी रूलिंग करते हैं। ओके, रूलिंग किया, इसको क्लोज करेंगे। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल है आपका, कैपिटल जाएगा क्रेडिट साइड। आपकी लायबिलिटी है जो ओनर्स को आपको रिटर्न करना है। कैपिटल की जो लायबिलिटी है 24,000, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका एसेट्स है, डेबिट में आएगा 8,500। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर भी आपका एसेट्स है, डेबिट में आएगा 2600।
नेक्स्ट परचेसेस खर्चा है डेबिट में 8950। नेक्स्ट कैश आपका एसेट से डेबिट में 7300। नेक्स्ट कैरेज खर्चा है डेबिट में 300। नेक्स्ट सेल्स इनकम है क्रेडिट में 22500। नेक्स्ट बिल्डिंग एसेट से डेबिट में 12000। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, अभी रिटर्न इनवर्ड ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न डेबिट में होता है, सेल्स रिटर्न सेल्स क्रेडिट में है, सेल्स रिटर्न डेबिट में होता है। तो ये रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा 1900। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड ये परचेस रिटर्न है, परचेस डेबिट में आता है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेस रिटर्न रिटर्न आपका क्रेडिट में आएगा। रिटर्न्स कभी भी उल्टा रहता है, सेल्स अगर क्रेडिट में आ रहा है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा, ओके, और परचेसेस डेबिट में आ रहा है तो परचेसेस रिटर्न्स क्रेडिट में आता है, ठीक है। उसके बाद अगला ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है डेबिट में आएगा 1000। ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है डेबिट में आएगा 1000। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम है क्रेडिट में आएगा 970। नेक्स्ट सैलरी खर्चा है डेबिट में आएगा 3000। नेक्स्ट ऑफिस रेंट खर्चा है 2270। सारे आइटम्स पोस्ट करके हो गए, टोटल लेते हैं। फोर्टी सेवन एट ट्वेंटी। अब ये टैली हो गया, क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया, अभी अगला प्रॉब्लम लेते हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ
मिस्टर ए मुखोपाध्याय प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। अभी हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए मुखोपाध्याय। नीचे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। फॉर्मेट बनाते हैं पर्टिकुलर्स और फिर दो डेबिट क्रेडिट, दो अमाउंट के कॉलम फॉर्मेट बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश, कैश आपका एसेट है, डेबिट में आएगा। $2000। उसके बाद कैपिटल, ये लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगी। $80000। उसके बाद परचेसेस खर्चा है, डेबिट में आएगा। परचेसेस खर्चा डेबिट में आएगा $85000। उसके बाद सेल्स इनकम है, क्रेडिट में 108400। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, डेबिट में आएगा 1800। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड खर्चा है 500, डेबिट में। उसके बाद प्रिंटिंग खर्चा है, डेबिट में 5000। प्रिंटिंग के बाद सेल्स रिटर्न,
परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न क्रेडिट में आएगा, परचेस डेबिट में आता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट में आएगा। परचेस रिटर्न क्रेडिट में 6000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा, सेल्स क्रेडिट में आता है, सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा 4000। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, प्रिंटिंग हो गया। सन्ड्री डेटर्स रियल अकाउंट रिसीवेबल है 70000। एसेट सन्ड्री एसेट्स डेबिट में आएंगे, सन्ड्री डेटर्स 70000। नेक्स्ट इनपुट जीएसटी, अभी जो इनपुट बोला है वो सारे डेबिट में है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी तीनों भी डेबिट में आएंगे। इनपुट सीजीएसटी 2500, इनपुट सीजीएसटी 2500। फिर इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट में आएगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट में 2500। फिर इनपुट आईजीएसटी 4000। ओके, उसके बाद ये साइड में सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगी 40000। सन्ड्री क्रेडिटर्स चालीस हजार। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट में 8000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी एसेट 15000 डेबिट में। नेक्स्ट बिल्डिंग एसेट्स से डेबिट में 20000। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट्स से डेबिट में 6000। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है डेबिट में 700। नेक्स्ट पोस्टेज खर्चा डेबिट में 400। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स पैसा बिजनेस से निकल रहे पर्सनल यूज के लिए तो डेबिट में आएगा, ड्रॉइंग्स 8000। कैपिटल क्रेडिट में आता है, ड्रॉइंग्स डेबिट में आएगा 8000। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स के बाद सैलरी 6000 डेबिट में आएगा, खर्चा है सैलरीज। नेक्स्ट अभी आउटपुट जो है, आउटपुट सीजीएसटी ये सब आउटपुट वाले क्रेडिट में आएंगे। सबसे पहला आउटपुट सीजीएसटी 1500, क्रेडिट में आएगा। फिर आउटपुट एसजीएसटी 1500 क्रेडिट में आएगा।
फिर आउटपुट IGST भी क्रेडिट में आएगा। आउटपुट IGST 6000। अभी टोटल लेते हैं, दोनों सेम आना चाहिए तो अपना प्रॉब्लम बराबर है। डेबिट की टोटल 241,400, क्रेडिट की टोटल 2000 का डिफरेंस आ रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000 के नहीं लिए, सैलरीज के बाद, तो ये टैली हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लेते हैं 2000, अब ये टैली हो गई, इसको क्लोज करते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।